सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग अपने फोटो एडिटिंग का चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो। एंड अगर गाइस आपका अगर कोई अदर मतलब कैटेगरी में चैनल है तो आप उसको भी कैसे ग्रो कर सकते हो, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड बाकी गाइस, आप लोगों ने अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूँ पहले कि गाइस ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या है। तो गाइस ये जो मतलब कि मैं जैसे कि आप सभी को पता है मैं आप लोगों को यहाँ पे फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड आप सभी को मैं वीडियोज यहाँ पे देता हूँ। तो मतलब कि आप में से ना ऐसे बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो कि मतलब कि जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, वो भी मतलब कि ऑडियंस को अपनी ऑडियंस को मतलब कि फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। तो मतलब मैंने देखा उनको मतलब कि मैंने उनकी वीडियोस वगैरह चेकआउट करी, मतलब कि लास्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा कमेंट थे उनके कि हमें भी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए जो कि मतलब कि हम कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने उनके चैनल्स को जाकर चेकआउट किया, मतलब उन्होंने कमेंट किया था कि भाई हमारे एक बार चैनल को चेकआउट करो क्या हमारी गलतियाँ क्या है। तो मैं वीडियोस में जाकर देखी तो वीडियोस तो इतनी अच्छी बना रखी थी, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं थी वीडियो में। बाकी उनने जो वीडियो को अपलोड करने का जो उनका तरीका था, उनमें जो डिस्क्रिप्शन वगैरह था, टाइटल वगैरह था, वो उनने इतनी गलत तरीके से डाल रखा था कि जो व्यूज़ डिजर्व करते हैं वो व्यूज़ उनको इसलिए नहीं मिल रहे थे। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या कैसे करना है। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना, ठीक है? तो हमारी जो यहाँ पे पहली टिप जो है, जो कि गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पहली टिप है हमारी, इसमें गाइस आप लोग क्या करना है, आप लोग जैसे अपनी वीडियोस को आपने मतलब कि आपने जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपने बनाया है, यानी कि आपकी जो वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, आपको जब आप अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने जाओगे जो कि आप अपलोड करने वाले हो, उस वीडियो को अगर आप बना रहे हो, तो आपको पहली चीज उसमें ये देखना है कि आप लोगों की जो वीडियो है उसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि गाइस काफी लंबे लंबे होते हैं। जैसे कि हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं वीडियो में तो उसका जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, यानी कि 25-30 मिनट की वो वीडियो आराम से अकेली बन जाती है वो, है ना? तो आप लोगों को इस टाइम पे ऐसे मतलब कि आपको ये देखना है कि आपकी वीडियो जहाँ जहाँ पे लंबी लंबी वीडियोस हैं वहाँ पे गाइस जो है क्रिएटर बोर हो जाता है, यानी कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस वो पूरी कंटिन्यू तो देख नहीं पाएगा सेम चीज को बार बार। तो आप लोगों को क्या करना है, उसके ऊपर आपको पहले से एक अलग से वीडियो बना देना है, फिर आप सभी को उसका जो लिंक है आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लगा देना है। इससे क्या होगा कि गाइस आप लोग मतलब कि वीडियोस में आप उस टाइम में आप ये बोल सकते हो कि अगर आप लोगों को मतलब यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा, अगर आप लोगों को इनको डिटेल में समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि क्रिएटर का टाइम भी बचेगा और क्रिएटर को जो है मतलब कि एक उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो रहेगी, अगर वो चाहता होगा उसको देखना तो वो वहाँ पे जाके आपकी वीडियो को पूरी कंप्लीट वॉच कर लेगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो को वो बार बार स्किप करके नहीं देखेगा और आपकी वीडियो का जो है ऑडियंस रिटेंशन जो है वो कम नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज को आप लोग का ध्यान रखना है, ठीक है? आप लोगों को जो है कोई भी लेंथी वीडियो आपकी चैनल पे आपकी वीडियो में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि ऑडियंस बोर हो, ठीक है? तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज आप सभी को क्या करना है, जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हो तो उस टाइम पे आप सभी को टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन ये तीन चीज आपको इस तरीके से डालना है जिससे कि आपकी वीडियो मतलब कि सिर्फ वो आपके वीडियो के मतलब कि आपकी वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। यानी कि अगर जैसे कि मेरा जो वीडियो का टाइटल है हाउ टू ग्रो फोटो एडिटिंग चैनल, तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है सारा का सारा मैं वही डालूंगा जो कि गाइस वीडियो एडिटिंग से रिलेटिव हो, यानी कि जो मतलब कि कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं उससे रिलेटिव हो। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो आपको सारे जो टैग्स होंगे वो सारे आपको सिर्फ आपको ये मिलेंगे कि हम YouTube चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब कि आप लोग अब जो मतलब वीडियो जो जो जिनको भी प्रॉब्लम होगी जिनका चैनल ग्रो नहीं होगा, अब वो सारे इन कीवर्ड को अगर सर्च करते हैं YouTube पे तो उनके पास मेरी वीडियोस भी जाएंगी। तो आप लोगों को यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कीवर्ड और जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो आपके टाइटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है? एंड टाइटल आप कैसे फाइंड करोगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको आपने कोई एडिटिंग आपने कोई फोटो एडिटिंग करी, ठीक है, आपको उसका टाइटल समझ नहीं आ रहा उसका टाइटल क्या डालोगे, तो उस टाइम पे आपको देखना कि आपकी फोटो में सबसे मेन चीज़ क्या है। जैसे कि हम मतलब कि जैसे कि आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, जैसे कि ये फोटो है, अब इस फोटो में आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जो फोटो है इसमें गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे जो बैटरी वाला ऑप्शन दिख रहा है और आपको एक लैपटॉप दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैं ग्लोइंग लैपटॉप या फिर मैं ग्लोइंग लाइट फोटो एडिटिंग कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से मेरे को एक कीवर्ड मिल गया, अब मैं इसी को अकॉर्डिंग मैं इसको घुमा घुमा के जो दो तीन टाइटल दे दूंगा अपनी वीडियो में, एंड इसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ से कीवर्ड जो है मैं सारे मतलब डिस्क्रिप्शन में भर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे टैग्स कैसे ढूंढूं, अब टैग्स कैसे आपको ढूंढना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का, आपको वहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे अपने टाइटल को पेस्ट करना है, सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको सिंपली अपने टैग वाले सेक्शन में जाकर आपको उसको पेस्ट कर देना है, बस इतना करना है। आपका जो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक दो वीडियो में इसका रिजल्ट नहीं देखेगा, आप जब इसमें रेगुलर आप वीडियोस अपलोड करोगे तीन चार वीडियोस अपनी वीडियो में मतलब तीन चार वीडियो हफ्ते भर इसको यूज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। यानी कि कोई भी चीज़ एक बार में आपको बूस्ट नहीं दिलाएगी, आपको धीरे धीरे आपको जो बूस्ट दिलाएगी धीरे धीरे, ठीक है? तो आपको इस चीज़ पे बस आपको कंटिन्यूसली काम करना है। अब तीसरी टिप आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया बहुत अच्छा वीडियो बनाया, ठीक है, आपने टाइटल भी डाला डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ बढ़िया डाला, आपने टैग्स भी डाले लेकिन व्यूज फिर भी नहीं आ रहे,
तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको किसी भी क्रिएटर, जो भी बड़ा क्रिएटर है आपकी नजर में, जैसे कि आपको कोई भी क्रिएटर ले लेना है, आप अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आपको कोई क्रिएटर को ढूंढना है जो बड़ा क्रिएटर हो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसके उसकी फोटो लेनी है, उसकी फोटो को लेकर आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, एंड बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जो है आप लोगों को थंबनेल में जो आपने उसको पेस्ट कर देना है, यानी कि वहाँ पे आप थंबनेल में लगा देना है। इससे गाइस मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्लिक बेट होगा, इससे मैं क्लिक बेट करने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि जो अगर आपने उस पर्सन को लगाया है ना, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मतलब कि गाइस होनी चाहिए, कि मतलब कि किसी की हेल्प हो उससे। जैसे कि गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपने थंबनेल देखा होगा, तो गाइस इससे क्या होगा कि मतलब जितने भी लोग अब इस पर क्लिक करेंगे तो उनका जो टाइम है वेस्ट नहीं होगा, उनको जो है मतलब यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी है कहीं से, जब जाके मैंने आप लोगों के सामने में लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को यही करना है कि आप अगर किसी क्रिएटर का फोटो लगाते हो अपने थंबनेल में, तो आपको एक चीज़ का, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। किसी की अगर कोई बंदा अगर आपकी वीडियो क्लिक कर रहा है, तो उसको ये लगना चाहिए कि उनको जो है आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है। तो आपको यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो से किसी की हेल्प होनी चाहिए, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाकी बस आप इतने चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आप किसी का भी थंबनेल मतलब किसी की मतलब कि किसी भी क्रिएटर का आप जो है फोटो यूज़ कर सकते हो, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप अच्छा मतलब कि आप अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हो और आपको अगर वो क्रिएटर अगर आपकी वीडियो देख भी लेता है, तो मतलब वो आपको कोई मतलब कॉपीराइट नहीं देगा, आपको कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि मतलब कि आप भाई मतलब कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे आप अगर उसके बारे में, अगर आप बैड वर्ड्स बोलोगे वीडियोज़ में अगर उसकी फोटोज़ को लगा के, तो यार वो आपको मतलब कि आपके वीडियोज़ पर कॉपीराइट वगैरह दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग बस कुछ गलत मत करना उस क्रिएटर का, अगर फोटो को यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ बस गलत मत करना। आप फोटोज़ किसी का भी यूज़ कर सकते हो, इससे मतलब कि आप दो चीज़ कर रहे हो, एक तो आप उसका जो मतलब कि अगर आप किसी का फोटो यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी जो फेम है वो मतलब उसकी रीच बढ़ा रहे हो, यानी कि लोग उसके बारे में सर्च करेंगे जाके कि ये है कौन जिसकी इनने फोटो लगाई है। तो इससे ये होगा कि उसके एक तो इसकी रीच बढ़ेगी, एंड उसके अकाउंट अगर वगैरह होगा आप उनको मेंशन भी कर सकते हो, इनसे क्या है कि उनका चैनल के ऊपर भी उनको भी थोड़ा सा हल्का फुल्का बूस्ट मिल जाएगा। अगर आपका चैनल छोटा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कहीं से एक सब्सक्राइबर भी अगर उनका गेन हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि किसी किसी को तो मतलब कि एक एक सब्सक्राइबर भी गेन नहीं होता, और किसी को फ्री में एक सब्सक्राइबर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो आशा करता हूं आपसे की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।